हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। पिछली क्लास में हम लोग देख के आए हैं कि ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होती है, और साथ ही में हमने सीखा था कि जो ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं उनको उनके पर्टिकुलर लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर कैसे करना होता है। अब आज हम लोग एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, साथ ही में हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं जिन्हें हमें जर्नलाइज करना है, उसके बाद हमें प्रॉपर लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, और साथ ही में आज ही हम लोग सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है द फॉलोइंग बैलेंसेज अपियर्ड इन द लेजर ऑफ अ ट्रेडर ऑन 1 अप्रैल 2020। फिर यहाँ पे हमें कुछ बैलेंसेज दिए हुए हैं जो कि ओपनिंग बैलेंसेज हैं। कैसे पता चलता है ये ओपनिंग बैलेंसेस है? 1 अप्रैल 2020 के ये बैलेंसेस हैं, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ वो जो बैलेंस होगा वो ओपनिंग बैलेंस ही होगा। तो ये हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। यहाँ लिखा है कैश इन हैंड ₹8,000, कैश एट बैंक ₹25,000, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स ₹20,000, बिल्डिंग ₹10,000, विजय ब्रैकेट में लिखा है डेबिट ₹2,000, मधु ब्रैकेट में लिखा है डेबिट ₹2,000, और लास्ट में आनंद ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट ₹5,000। तो सबसे पहले तो हमें ये कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, उसके बाद लिखा है ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ। यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं और फिर लिखा है जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इनटू लेजर, बैलेंस द अकाउंट्स एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। मतलब कि अभी तक जो भी चीज़ें हमने सीखी हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, वो तो करनी ही करनी है। मतलब जर्नल का हमें प्रॉपर फॉर्मेट बना के पूरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, हमें प्रॉपर लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, और उसके बाद आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस हम लोग कैसे बनाते होते हैं। तो अब जब भी हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं हमें क्या करना होता है? ओपनिंग बैलेंसेस दिए हैं, ओपनिंग एंट्री ज़रूर हमने पास करनी है। ओपनिंग एंट्री हमें पता है क्या होती है? सारे एसेट्स डेबिट, हर एक एसेट का नाम लिखेंगे विद द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट, और उनको हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमें अच्छे से पता है एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। साथ ही में क्या करेंगे? जो भी लायबिलिटीज़ होंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे टू लायबिलिटीज़, क्योंकि लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, और साथ ही में टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ऐसे करके हमने सबसे पहले इन ओपनिंग बैलेंसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए ओपनिंग एंट्री करनी है। तो अब ओपनिंग एंट्री पास करने के लिए जो भी यहाँ पे एसेट्स होंगे उन सबको हम डेबिट करने वाले हैं विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स, और जो भी यहाँ पे लायबिलिटीज होगी उनको हम क्रेडिट करेंगे और कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, पर पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज करना। तो सल्यूशन लिखने लगे हूँ यहाँ पर, जब भी हमें अगर सिर्फ लेजर भी मांगा होता तो भी जर्नल एंट्रीज हमें चाहिए ही चाहिए, और हम हमेशा वर्किंग नोट में जाके जल्दी से सारी जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे विदाउट एनी फॉर्मेट, अगर हमें फेयर पोर्शन में जर्नल नहीं मांगा हुआ। यहाँ पे मांगा हुआ है तो आप लोग जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए, जो कि है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट इन रुपीज और क्रेडिट इन रुपीज। लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रही, हमें पता फॉर्मेट क्या होता है, तो आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे और मैं ऐसे ही यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करूंगी। तो स्टेप वन हमारा रहता है जर्नलाइज करना, जहाँ पे हम सारी ट्रांजैक्शंस को हम लोगों ने रिकॉर्ड करना होता है। तो मैं साथ में यहाँ पर सिर्फ डेट लिखूंगी जो कि होगी 1 अप्रैल 2020। ओपनिंग एंट्री डलने वाली है हमारी 1 अप्रैल 2020 को। यहाँ लिखा है कैश इन हैंड ₹8,000। कैश क्या होता है? हमारा एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो कैश को हमें डेबिट करना है। हम लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश जो है वो एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंसेज इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं हम लोग इस जर्नल एंट्री में, तो क्योंकि कैश एसेट है इसलिए हमने उसको डेबिट किया। कितने रुपए से जितना बैलेंस पड़ा है? ₹8,000 हमारे पास कैश पड़ा है, तो कैश हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे, फिर लिखा है कैश एट बैंक ₹25,000। बैंक अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, बैंक भी हमारा एसेट होता है, फिर से एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो बैंक अकाउंट को भी हमने डेबिट करना है विद द रिस्पेक्टिव अमाउंट। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? ₹25,000 से हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ लिखा है इन्वेंट्री ऑफ गुड्स ₹20,000। अब ये इन्वेंट्री ऑफ गुड्स क्या है? जो हम लोग सेकेंड लेक्चर में सीख कर आए थे, जो स्टॉक बच जाता होता है, जो गुड्स बच जाते होते हैं एक पीरियड के एंड में, ये वही गुड्स है, ये वही इन्वेंट्री ऑफ गुड्स है, वो स्टॉक है हमारे पास। तो ये जो स्टॉक होता है, जो बच जाता होता है, हमें अच्छे से पता है ये हमारा एसेट होता है, चाहे हमें इसको बेचना है, ये हमारा करंट एसेट है, बिकॉज हमने इसको रीसेल के लिए रखा हुआ है, हम इन गुड्स में ही डील करते होते
होते हैं, तो हमारा इंटेंशन इनको बेचना होता है, लेकिन ये हमारा एसेट होता है, तो इन्वेंट्री ऑफ गुड्स ये भी हमारा एसेट है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट या फिर स्टॉक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। ये ओपनिंग बैलेंस है उन गुड्स का, मतलब कि पिछले साल जो गुड्स हमारे नहीं बिक पाए वो जो बच गए थे, वो क्लोजिंग बैलेंस इस पीरियड का ओपनिंग बैलेंस, ये वही ओपनिंग बैलेंस है उन गुड्स का जो हमारे पास पड़े हैं। तो ये जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं ये हमारे लिए एसेट होता है, आगे चल के हम कभी इसको बेचेंगे और हमारे पास पैसे आएंगे, तो ये एसेट है, इसको भी हमने डेबिट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टॉक अकाउंट डेबिट या फिर इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं आप लोग विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट। तो 20,000 रुपीज का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उसे भी हम लोग डेबिट करेंगे बिकॉज ये भी एक एसेट है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ क्या लिखा है, बिल्डिंग लिखी हुई है ₹10,000। बिल्डिंग हम सभी को पता है हमारा एसेट होता है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ₹10,000। 10,000 की बिल्डिंग पड़ी हुई है हमारे पास 1/4/2020 को। उसके बाद यहाँ लिखा है विजय, ब्रैकेट में लिखा है डेबिट। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब भी हमें पर्सनल अकाउंट्स दिए होंगे, मतलब कोई नेम होगा किसी पर्सन का, तो नाम देख के तो हमें पता चल ही नहीं सकता कि वो हमारा डेटर है कि वो हमारा क्रेडिटर है, मतलब कि वो एसेट है कि लायबिलिटी, हमें नहीं पता चल सकता सिर्फ नाम देख के। तो हमेशा वहाँ उन्होंने बताया होगा कि उसका क्या बैलेंस है। अब विजय का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो विजय हमारा एसेट है, ये हमारा डेटर है, ये लायबल है हमें पैसे देने को। तो विजय ब्रैकेट में डेबिट लिखा हुआ था, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस है और ये हमारा डेटर है, ये हमारा एसेट्स है, एसेट्स का ही होता है डेबिट बैलेंस, तो विजय को भी हमने डेबिट करना है। तो हमने लिखा विजय डेबिट, साथ ही में अमाउंट भी लिखेंगे ₹2,000, ये विजय लायबल है हमें देने को क्योंकि ये हमारा डेटर है। नेक्स्ट देखेंगे मधु लिखा हुआ है और ब्रैकेट में फिर से लिखा है डेबिट, तो ये भी हमारा डेटर है, ये हमारा एसेट है, इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ हमने लिखा मधु डेबिट, अमाउंट क्या है फिर से ₹2,000, ये मधु ने भी हमें ₹2,000 देने हैं आगे चल के, जब भी देगा तब देखेंगे, पर ये लायबल है हमें पैसा देने को। और लास्ट यहाँ पे लिखा है आनंद और ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट ₹5,000। तो अब आनंद का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटीज का होता है, इसका मतलब ये आनंद हमारा क्रेडिटर है, हमने इससे उधार पे सामान लिया होगा या जो भी, हम इसको लायबल हैं पैसे देने को, हमें आगे चल के इसको पैसे देने हैं, ये एक लायबिलिटी है क्योंकि लायबिलिटीज का ही क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो यहाँ मैंने लिखा टू आनंद कितने रुपीस से, 5,000 रुपीस की एक लायबिलिटी ऑलरेडी हमारे पास खड़ी हुई है जिसका नाम है आनंद। तो अब यहाँ पे तो जैसे सीरियल वाइज दिए हुए थे कि डेबिट बैलेंसेज एक साथ पहले दिए हुए थे और क्रेडिट वाला बाद में दिया हुआ था, तो हमें कुछ सोचना नहीं पड़ा और सीधा सीधा हम लोग लिखते गए। अब ऐसे कहीं भी हो सकता है बीच में कुछ डेबिट बैलेंसेज हो, बीच में ही क्रेडिट बैलेंसेज हो, तो पहले हमेशा जो डेबिट हो रहे बैलेंसेज ऑब्वियसली उनको लिखोगे क्योंकि वो डेबिट होने हैं, और फिर ही लिखोगे जो बैलेंसेज क्रेडिट होने हैं। तो ध्यान से लिखना है कि डेबिट कौन से बैलेंसेज हो रहे हैं, एसेट्स ही डेबिट होते हैं, और क्रेडिट कौन से बैलेंसेज होंगे, लायबिलिटीज एंड कैपिटल वो क्रेडिट होंगे। अब ध्यान से देखो यहाँ पर ये डेबिट का टोटल क्या है, 8,000 प्लस 25,000 33,000, 33,000 प्लस 20,000 53,000, 53,000 प्लस 10,000 63,000, और 63,000 प्लस 4,000 67,000, तो डेबिट का टोटल आ गया। और क्रेडिट का टोटल क्या है हमारे पास, सिर्फ 5,000 यहाँ पे क्रेडिट का टोटल है। तो हमें अच्छे से पता है द टोटल ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब यहाँ पर ये जर्नल एंट्री अधूरी है, हमें सारे बैलेंसेज नहीं दिए हुए थे, तो हमें बैलेंसिंग फिगर निकालनी होगी क्योंकि टोटल ऑफ डेबिट हैज टू बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। डेबिट का टोटल बन रहा है 67,000 रुपीज और क्रेडिट का टोटल बन रहा है सिर्फ 5,000, तो ये जो 67,000 माइनस 5,000 62,000 जो है वो बैलेंसिंग फिगर है, और वो बैलेंसिंग फिगर क्या है, वो है कैपिटल। कैपिटल के बिना कोई भी काम शुरू हो ही नहीं सकता, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा बिजनेस में। तो टू कैपिटल अकाउंट
ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगी हमारी, कोई भी ऐसे ही जर्नल एंट्री नहीं करेगा। सबने ध्यान रखना है कि जब भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए होंगे आपको, आपने चेक करना है कि क्या आपका टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो अच्छी बात है, इसका मतलब उन्होंने सारे बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, और अगर नहीं आपका टोटल टैली कर रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलनी है। तो अब यहाँ पर डेबिट का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट का टोटल कम था, तो हमें पता चल गया कि क्रेडिट वाला ही हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगी, कैपिटल नहीं दी हुई थी तो कैपिटल ही हमेशा बैलेंसिंग फिगर आएगी अगर डेबिट का टोटल आपका ज्यादा होता है। तो पहले मैं ये लिख दूं, 62,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आया जो कि क्या है, कैपिटल है। तो ये थी इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहली कि ओपनिंग बैलेंसेस जब दिए होंगे, आपको पता है ये ओपनिंग बैलेंसेस कहां से उठाएं, पिछले पीरियड की बैलेंस शीट से उठाए हैं। बैलेंस शीट में दो साइड, एक एसेट साइड, एक लायबिलिटीज और कैपिटल वाली साइड, दोनों हमेशा टैली करती होती हैं, क्योंकि बैलेंस शीट तो हमेशा टैली करनी ही करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन के कारण, जो कि हमने बहुत ही डेप्थ में सीखा था। तो अब बैलेंस शीट टैलीड होती है हमारी और यहाँ पे ये बैलेंसेस पूरे नहीं हो रहे थे, तो कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया 62,000 रुपीस। अब ऐसे ही अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा होता और डेबिट का टोटल कम होता तो हमेशा कैश अकाउंट ही बैलेंसिंग फिगर निकलता होता है, क्योंकि बिना कैश के कोई बिजनेस काम नहीं करता होता। इसलिए अगर तो आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, और अगर आपका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का टोटल कम है, तो हमेशा कैश अकाउंट ही आपके पास बैलेंसिंग फिगर निकला करेगी। तो ये चीज़ ताकि आपके कहीं पे रिकॉर्डेड रहे, मैं ये यहाँ पे लिखवा भी देती हूँ कि हमने क्या ध्यान रखना है। यहाँ मैंने लिखा इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वाइल रिकॉर्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस, ये प्रीवियस पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है, इस पीरियड का ये ओपनिंग बैलेंस है, तो जब भी हम ये ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्ड करेंगे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने चेक करना है, चेक कि टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। ये चेक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि वहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेज में वैसे कर सकते हैं कि सारे ओपनिंग बैलेंसेज आपको नहीं देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकलने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आप चेक करोगे ओपनिंग बैलेंसेज लिखते वक्त कि द टोटल ऑफ डेबिट इज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। अब दो चीज़ें होंगी, या तो टोटल ऑफ डेबिट एक्सीड करेगा टोटल ऑफ क्रेडिट को, यहाँ लिखेंगे इफ टोटल ऑफ डेबिट इज मोर देन टोटल ऑफ क्रेडिट, जैसे कि अभी हुआ, तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगी वो क्या होगी, वो होगा कैपिटल अकाउंट आपका बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, अगर टोटल ऑफ डेबिट एक्सीडेड द टोटल ऑफ क्रेडिट, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर आपका कैपिटल अकाउंट निकलना है। और अगर दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा ए, बी में लिखेंगे इफ टोटल ऑफ क्रेडिट एक्सीड्स द टोटल ऑफ डेबिट, तो आपके पास बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगी, तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश अकाउंट निकलेगी। बैंक अकाउंट भी निकल सकती है, मतलब तो आपने देखना है वहाँ पे कैश है कि नहीं, अगर तो कैश अकाउंट है तो बैंक अकाउंट आप बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे, अगर नहीं है तो कैश अकाउंट आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है, आपने ये चीज़ ज़रूर चेक करनी है, और आपका ये अब नोट भी हो गया तो आपको ये चीज़ याद भी रहेगी। अब हम आगे चलेंगे, हमें यहाँ पे पता चल गया कैपिटल अकाउंट हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई 62,000। अब आगे क्या है, ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द मंथ, अप्रैल 1 को यहाँ पे लिखा है, इसकी भी हमने जर्नल एंट्री लिखनी है। तो अब आप लोग आई होप पूरा फॉर्मेट बना रहे हो, और साथ ही में आप लोग नरेशन भी लिख रहे हो, आपने पूरा सही से जर्नल का फॉर्मेट यहाँ पर बनाना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे डेट क्या है, फिर से 1 अप्रैल 20 को ही ये वाली ट्रांजैक्शन हुई है। यहाँ लिखा है परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 5,000 फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग गुड्स खरीद कर लाए हैं, साफ साफ लिखा हुआ है फॉर कैश, मतलब कि कैश परचेज करा है हमने, उधार पर हमने गुड्स नहीं खरीदे, कैश परचेज करी 5,000 की, लेकिन लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है जो कि 20% है, और फिर 5% हमें कैश डिस्काउंट भी मिला है।
कैश में पेमेंट कर दी तो कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और ट्रेड डिस्काउंट लिखा है तो ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना ही मिलना है। अब हमें अच्छे से पता है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी थी जर्नल में कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और रीजंस क्या होते हैं उसको ऐसा ट्रीट करने के लिए। तो अब ट्रेड डिस्काउंट हमने नहीं दिखाना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम सीधा माइनस करेंगे। यहाँ पे मैं इसका वर्किंग नोट भी बना दूँ, तो वर्किंग नोट में लिखेंगे हम लोग लिस्ट प्राइस हमें क्या दिया हुआ है। लिस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 5,000 रुपये, तो यहाँ मैंने लिखा लिस्ट प्राइस ₹5,000। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है, ट्रेड डिस्काउंट तो मिलना ही होता है, तो माइनस करेंगे इसमें से लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो 20% ऑफ 5,000 ₹1,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको हम कर देंगे माइनस, 5,000 माइनस 1,000 ₹4,000 हमारे पास आ गया आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। तो अब हमें पता है ये ऊपर वाली चीज़ हमारे लिए इररिलेवेंट है, ये क्रॉस कर देते हैं हम। ये ट्रेड डिस्काउंट वाली चीज़ हमने रिकॉर्ड ही नहीं करनी होती बुक्स ऑफ अकाउंट में। हमारे लिए जो वैल्यू इंपॉर्टेंट है वो है ये ₹4,000। ऊपर वाली कैलकुलेशन अब हम भूल जाएंगे, बस ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के लिए वो दिया होता है नंबर हमारे को, तो हमने माइनस कर दिया और अब हम ऊपर वाली कैलकुलेशन भूल गए। हमारे लिए ये इनवॉइस प्राइस यही हमारे लिए रेलेवेंट है। जिन भी बच्चों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ जाकर पहले जर्नल वाला टॉपिक देखिए, जहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को मैंने ढंग से इलैबोरेट किया हुआ है, और आपको एक एक चीज़ विद लॉजिक समझ में आएगी कि रीज़न क्या होता है इसको ऐसा ट्रीट करने का। और साथ ही में आपको पता चलेगा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में कैसे कैसे तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज़ जाकर पहले वो वाला लेक्चर ज़रूर देखें। तो अब इनवॉइस प्राइस भी आ चुका है हमारे पास, जो कि 4,000 रुपीज़ है। इससे ही हमारी जो जर्नल एंट्री है वो डलेगी, ये चीज़ हमें अच्छे से पता है। अब कैश डिस्काउंट भी मिलना है हमें, क्योंकि हमने कैश में ही ये गुड्स परचेज किए हैं। तो कैश डिस्काउंट कितना है, 5% कैश डिस्काउंट है। इस 4,000 के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट मिलना है, तो यहाँ लिखा लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो 5% ऑफ 4,000 ही होता है। इनवॉइस प्राइस पे ही ये कैश डिस्काउंट मिलेगा। आप लायबली इतना पैसा देने को हो तो इसी पे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो 5% ऑफ 4,000 कितना होता है, 200 रुपीज़ होता है। तो 200 रुपीज़ आपको कैश डिस्काउंट मिला, और 3,800 रुपीज़ जो है ये आपने कैश पे किया होगा आफ्टर रिसीविंग ये वाला कैश डिस्काउंट। तो जर्नल एंट्री यहाँ पर साफ साफ दिख रही है। सबसे पहली चीज, 4,000 के तो आप लोग गुड्स खरीद कर लाए हो, क्योंकि जो आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट होता है उतने के ही हम लोग गुड्स खरीद कर लाए होते हैं, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट हमारे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है, इट इज ऑलरेडी डिडक्टेड इन द इनवॉइस, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं करना होता। हमारे लिए 4,000 रुपीज़ रेलेवेंट है। तो सबसे पहले परचेज कर ला रहे थे गुड्स को, परचेजेस अकाउंट हमारा यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से डेबिट होगा, जितने के गुड्स हम लाए हैं, हम 4,000 के गुड्स लाए हैं ना कि 5,000 के, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट होती है उतना ही हम लायबल हैं पे करने को। तो 4,000 से तो हमारा ये वाला खर्चा होगा जिसका नाम है परचेजेस। तो परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा, और अब हमने पेमेंट कैसे करी है, कैश के थ्रू पेमेंट करी है। तो टू कैश अकाउंट कितना कैश पे किया, 3,800 रुपीज़ हमने कैश पे किया है। साथ ही में 200 रुपये हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने रुपये, 200 रुपये का डिस्काउंट हमने रिसीव किया है। तो ऐसे करके जो ये वाली जर्नल एंट्री है ये भी हमारी यहाँ पर पास हो गई। हमें पता है कि रीजनिंग क्या है इसकी, परचेजेस अकाउंट हमने क्यों डेबिट किया है, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस, हमें खर्चा कर आ रहे हैं परचेजेस वाला, गुड्स खरीद कर ला रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा 4,000 रुपये से। हमने कैश में पेमेंट करी, कैश हमारा एसेट, एसेट हमारा कम हो गया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। और साथ ही में हमने डिस्काउंट रिसीव किया 200 रुपये का, तो क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम्स एंड गेन्स, ये गेन हो गया हमारे को, तो इसलिए डिस्काउंट रिसीव को हमने क्रेडिट किया है। और ऐसे करके ये सेकेंड वाली जर्नल एंट्री भी हमारी पास हो गई। तो अब यहाँ पे मेरे पास तो जगह खत्म हो गई है, तो आप लोग इतना नोट करें और उसके बाद हम लोग आगे की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। तो अब अगली ट्रांजैक्शन पे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ लिखा है April 4 को रिसीव्ड रुपीज़ 1,980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट रुपीज़ 20। ऊपर जाके देखते हैं, क्योंकि विजय वहाँ हमने देखा था, तो यहाँ लिखा था विजय डेबिट बैलेंस
2000, विजय एक डेटर था, हमारा एसेट था 2000 रुपये, उसने हमें देने थे और अब हमने रिसीव कर लिए 1980 रुपीज़ फ्रॉम विजय। तो अगर यहाँ ना भी लिखा होता एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹20, तो भी आपको पता चलना चाहिए था कि ₹20 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है। तो बहुत ध्यान से देखना है, ऊपर जो बैलेंसेस आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं आप ध्यान से देखोगे, अगर वही नीचे भी लिखे हुए हैं कहीं ट्रांजैक्शन में तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। अभी तो इसने यहाँ लिख ही दिया कि अलाउड हिम डिस्काउंट ₹20, अगर ये इसने ना लिखा होता और अगर आप ऊपर ना देखते कि बैलेंसेस में ये दिया हुआ था कि नहीं दिया था, तो आपकी जो जर्नल एंट्री है वो गलत हो जाती, क्योंकि इसका मतलब क्या होता, ₹20 उसको हमने डिस्काउंट अलाउ किया है और वो आपका रिकॉर्ड करना रह जाता। तो एक एक चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है, ट्रांजैक्शंस में अगर कुछ भी आया जो ऊपर ऑलरेडी बैलेंसेस में लिखा हुआ है, आप जाके देखोगे कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं है, कहीं फुल सेटलमेंट तो नहीं कर दी उसने, और फिर ही जाके आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीव्ड ₹1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹20। तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा ₹1980 से, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, साथ ही में हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया इस विजय को ₹20 का, हमें एक लॉस हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹20 और टू विजय, विजय हमारा डेटर था, उसने हमें पैसे दे दिए, तो पूरा का पूरा एसेट जो था हमारा ₹2000 का वो खत्म हो गया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमें विजय को क्रेडिट करना है। तो इजी सी जर्नल एंट्री है इसकी, इसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ। तो 4th April 2020 को ये जर्नल एंट्री लिखनी है, जो कि है कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव किया हमने, ₹1980 हमने कैश रिसीव किया, साथ ही में डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हमने उसको कितना डिस्काउंट अलाउ कर दिया, ₹20 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, क्योंकि ₹2000 हमने उससे लेने थे, 1980 उसने दिए, तो ₹20 हमने उसको डिस्काउंट अलाउ किया। अब यहाँ पे कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखेगा, जब भी आपने जर्नल एंट्री फेयर पोर्शन में करनी होती है आप हमेशा फुल फॉर्म ही लिखेंगे यहाँ पे, तो पूरा ही लिखना है सबने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और साथ ही में क्रेडिट हो जाएगा उस एसेट का अकाउंट जिसका नाम था विजय, कितने से क्रेडिट होगा, पूरा आपका 2000 वाला जो एसेट है वो खत्म हो गया, तो ₹2000 से ही विजय क्रेडिट होगा। मैं रीजनिंग भी इसकी लिख देती हूँ यहाँ पर, कैश को हमने डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट, डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और विजय को हमने क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, ये जो हमारा एसेट था ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम लोग, 8 April को यहाँ लिखा है परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर ₹5000 एंड पेड ₹100 एज कार्टेज एंड ₹200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। तो अब यहाँ पर हम लोग प्लांट खरीद कर ला रहे हैं मुकेश से ₹5000 का, तो अब सिर्फ नेम दिया हुआ है, मतलब उधार पर ये प्लांट हम लोग मुकेश से खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन साथ में क्या लिख दिया, हमने पे करे हैं, मतलब कि कैश में पे किया है ऑलरेडी, क्या पे किया है, ₹100 हमने दी है एज कार्टेज, जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं उस प्लांट को अपने तक लाने के, और साथ ही में ₹200 हमने पे किए इंस्टॉल करवाने के, वो इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे किए हैं उस प्लांट को इंस्टॉल कराने के लिए उसकी प्रॉपर प्लेस में। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, प्लांट कितने वाला है आपके पास, 5000 वाला प्लांट नहीं आया आपके पास, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये ₹100 और ये ₹200 जो आपने पे किए हैं उसी प्लांट को पुट टू यूज करने के लिए, उसे अपने पास एग्जिस्टेंस में लाने के लिए पे किए हैं, ये 100 प्लस 200 ये ₹300 क्या हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और हमें अच्छे से पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज कैपिटलाइज, इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट। तो ये यहाँ पर फिक्स्ड एसेट हम प्लांट खरीद कर ला रहे थे, प्लांट के ऊपर उसको एग्जिस्टेंस में लाने के, उसको पुट टू यूज वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमने ₹100 कार्टेज पे किया, ₹200 इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, तो ये 100 प्लस 200 ₹300 विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ ये वाला प्लांट। तो प्लांट अकाउंट हम डेबिट तो करेंगे यहाँ पर कितने से डेबिट करेंगे, 5000 वाला प्लांट नहीं आया हमारे पास, 5300 वाला प्लांट आया है हमारे पास, क्योंकि ये ₹300 वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने ऐड करना होता है टू द कॉस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया स्टार, ये थी इंपॉर्टेंट चीज जो हम अच्छे से ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो ध्यान रखना है कि क्या क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन में और कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है उसके ऊपर। अब आपको
देखना था कि एक फिक्स्ड एसेट खरीद कर ला रहे हो, उसी के ऊपर ये सब पे कर रहे हो, तो ये ध्यान में आना चाहिए था आपके कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसको हम लोग प्लांट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। तो ये 5300 कैसे आया है, ये आया है 5000 प्लस 100 प्लस 200, तो ये पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो हमने इसको ऐड कर दिया उस प्लांट की कॉस्ट में। और प्लांट कितने वाला आया हमारे पास, 5300 वाला प्लांट आया हमारे पास, डेबिट क्यों किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे ज़्यादा यही थी कि प्लांट में ये वाले जो खर्चे थे ये ऐड होने थे। तो हर एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़नी होती है, आपको सारे कॉन्सेप्ट सही से पता होने चाहिए, रट्टा तो कुछ भी नहीं मानना। ये सारा चीज़ हम ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट सीख कर आ चुके हैं, इनकी रीजनिंग बताया हमें कि क्यों ऐसा होता है, तो सिर्फ अटेंटिवली हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। अब साथ ही में हम लोग इसको लाए कैसे हैं, उधार पर लाए हैं, तो मुकेश एक लायबिलिटी हमारी खड़ी हो जाएगी, वो कितने की खड़ी होगी, वो तो 5000 की खड़ी होगी, क्योंकि ये जो 100 और 200 हमने पे करे हैं एज कार्टेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये तो लिखा है एंड पेड, मतलब कि हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, मतलब कि ये जो 300 रुपीज़ हैं ये तो कैश में पे कर दिए, उतने से तो कैश अकाउंट कम करेंगे, लेकिन ये परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश, यहाँ सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो इतनी पार्ट तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, तो मुकेश को हमें क्रेडिट करना होगा, एक लायबिलिटी खड़ी करनी है हमें मुकेश के नाम से। तो यहाँ मैंने लिखा टू मुकेश, हमने प्लांट उधार पर खरीदा है मुकेश से, 5000 रुपये हम लायबल हैं मुकेश को देने को, तो क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसलिए हमने मुकेश को क्रेडिट किया है। साथ ही में ये 300 रुपीज़ कार्टेज और 200 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस ये हमने पे कर दिए, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा कम हो जाएगा 300 रुपीज़ से, क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। और 5300 इज इक्वल टू 5000 प्लस 300, 5300 हमने जो इफेक्ट है वो सही दिया है। तो इस एंट्री में भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि ये 5300 से प्लांट अकाउंट हमारा डेबिट होना था। तो अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, अप्रैल 12 को यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट ₹600। अब ये तो सभी को पता ही क्या है जर्नल एंट्रीज की, सीधा लिखेंगे यहाँ पर 12/4/20 को हम लोग उधार पर गुड्स बेच कर आ रहे हैं रहीम को ₹600 के, तो रहीम हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक एसेट आ गया रहीम के नाम से, ये हमारा डेटर है, आगे चल के ये हमको पैसे देगा, आज हम इसको उधार पर सामान बेच के आए हैं, तो रहीम हमने डेबिट किया, डेबिट इंक्रीज इन एसेट कितने रुपए से, जितने का उधार पे सामान बेचा, 600 रुपीज़ से रहीम हमारा डेबिट हो जाएगा। और टू सेल्स अकाउंट, हमने गुड्स को उधार पर बेचा है, सेल करी है हमने, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम, इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया, फिर से ₹600 से ही सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट होगा। तो उधार सेल्स की जर्नल एंट्री थी वो पर्टिकुलर डेट और डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग, अप्रैल 15 को यहाँ लिखा है रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसे इन अ रुपी। अब ये रहीम जो था, एक डेटर खड़ा किया अभी हमने ₹600 का, ये इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इसका दिवालिया निकल गया, इसके पास पैसे नहीं हैं देने को, तो अब ये कितने पैसे हमें दे पाया, असल में सिर्फ 50 पैसे इन अ रुपी, एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 आउट ऑफ 100, मतलब कि 50% पैसे ही ये हमें दे पाया, जितने भी ये लायबल था देने को, ₹600 ये लायबल था हमें देने को, दे पाएगा सिर्फ 50% ऑफ 600, 300 रुपीज़ ही ये दे पाया है, क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया, इसका दिवालिया निकल गया। हमें पता है इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जिसके जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम हो, लायबिलिटीज़ की वैल्यू ज़्यादा हो, उसको हम इंसॉल्वेंट बोलते होते हैं। तो यहाँ पर जब भी ऐसा आए कि वो इंसॉल्वेंट हो गया और कुछ ही पैसे दे आया, तो बैड डेट्स अकाउंट आ जाता है हमारा, क्योंकि हमें लॉस हो गया, हमारे वो पैसे मर गए, ये इंसॉल्वेंट हो गया, ये हमें आगे चल के पैसे नहीं दे पाएगा, तो बाकी का जो रिमेनिंग 300 है वो उतने से हमें बैड डेट्स हो चुके हैं, एक लॉस हो चुका है। जर्नल एंट्री लिखेंगे हम लोग इसकी, डेट क्या है, डेट यहाँ पर है 15 अप्रैल 20। सबसे पहले तो कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि 50% ऑफ 600, ₹600 देने वाला था ये हमें, इंसॉल्वेंट हो गया और सिर्फ 50% दे पाया, तो 50% ऑफ 600 ₹300 ये हमें दे पाया, तो ये 300 कैसे निकला, 50% ऑफ 600
600. ये 600 कहाँ से आया? ये ऊपर की एंट्री में हमें दिख रहा है कि इसने हमें 600 रुपये देने थे. तो कैश अकाउंट डेबिट 300 रुपीज़ से डेबिट इंक्रीज इन एसेट, साथ ही में हमें बैड डेट्स हो गए, हमारे ये पैसे मर गए, हमें एक लॉस हो गया. तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट बैलेंस रुपीज से, तो 300 रुपीज से ही हमारा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि 50% दे दिए, 50% मर गए, तो 50% से बैड डेट्स हो गए हमें. डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसलिए हमने बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट किया है. और टू रहीम, हमारा ये जो डेटर था वो ख़त्म हो गया पूरा का पूरा, क्योंकि कुछ तो उसने हमें पैसे दे दिए और बाकी हमें लॉस हो गया, हमें बैड डेट्स हो गए. तो क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट, इसलिए हमने रहीम को क्रेडिट किया है और इसके साथ ये वाली ट्रांजैक्शन की भी जर्नल एंट्री हमने पास कर ली. और अब लास्ट ट्रांजैक्शन भी देखेंगे हम लोग. अप्रैल 18 को लिखा है सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश ₹1000. अब ध्यान से देखना लिखा क्या है. सोल्ड गुड्स टू राम तो लिखा है, नाम दिया हुआ है पर्सन का, पर साथ में क्लैरिफाई कर दिया फॉर कैश. तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होता है एक एक वर्ड को, क्योंकि कहीं भी कोई भी गलती हो सकती है अगर आपने क्वेश्चन अटेंटिवली नहीं पढ़ा. तो यहाँ पर ये उधार वाली ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कैश ट्रांजैक्शन ही है, क्योंकि नाम लिखा हुआ है पर्सन का. जल्दी से नाम देखकर ये नहीं कर देना राम डेबिट टू सेल्स, बिल्कुल भी नहीं. सामने लिखा हुआ है फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये जर्नल एंट्री हमारे यहाँ आ जाएगी. कैश पर हमने गुड्स बेचे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने के बेचे हैं? 1000 रुपीज़. तो 1000 रुपीज़ से हमारा कैश बढ़ गया और 1000 रुपीज़ से हमारी ये इनकम्स वाली लिस्ट बढ़ गई सेल्स के कारण. कैश को क्यों डेबिट किया? डेबिट इंक्रीज इन एसेट. और सेल्स को क्यों क्रेडिट किया? क्रेडिट इंक्रीज इन इनकम. साथ ही में हम इसकी डेट भी लिखेंगे, वो है 18 अप्रैल 20. तो ये थी हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमें जर्नलाइज करनी थी. और यहाँ पे ध्यान रखना था कि यहाँ फॉर कैश लिखा हुआ था, तो जल्दी जल्दी में ऐसे नहीं कर देना राम डेबिट टू सेल्स, गलत हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री और आगे का सारा क्वेश्चन, सारी मेहनत आपकी फालतू चली जाएगी. क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है सारे, तो हमारा ये मोटिव रहना चाहिए कि हमारा पूरा क्वेश्चन हम ढंग से सॉल्व करें और पूरा अटेंटिवली उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें. एक एक वर्ड पर हमारा ध्यान होना चाहिए कि वहाँ लिखा क्या हुआ है. तो अब ऐसे करके हमने सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज कर लिया है. जो ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए थे वो भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया. ओपनिंग एंट्री हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं. अब हमने लेजर बनाना है. लेजर के लिए बेस होता है जर्नल. जर्नल हमारा ऑलरेडी रेडी है. अब हमने देखना है कि कितने यूनिक एंड डिस्टिंक्ट अकाउंट्स हमारे पास यहाँ पे हैं. उतने जो बॉक्सेस हैं, पूरा फॉर्मेट है लेजर का, वो हमारा ऑलरेडी रेडी होना चाहिए बिफोर पोस्टिंग. क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि हम लोग साथ साथ पोस्टिंग करने वाले हैं सारी, तो हमारे पहले से सारे फॉर्मेट्स रेडी होने चाहिए. अभी फॉर्मेट्स बनाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, तो मैं पहले से यहाँ पे फॉर्मेट्स बना रही हूँ. आप भी सारे फॉर्मेट्स बनाएं, देखते हैं कितने अकाउंट्स बनेंगे हमारे. पहला कैश अकाउंट, दूसरा बैंक अकाउंट, तीसरा स्टॉक का अकाउंट, चौथा बिल्डिंग अकाउंट, पांचवा विजय, मधु सिक्स्थ अकाउंट, आनंद है सेवन्थ अकाउंट, कैपिटल है एट्थ अकाउंट, परचेजेस अकाउंट है नाइन्थ अकाउंट. कैश अकाउंट ऑलरेडी हो गया, डिस्काउंट वाला अकाउंट हो गया 10th अकाउंट, फिर है कैश अकाउंट वो हो चुका, डिस्काउंट वाला भी हो गया, विजय भी हो चुका, प्लांट अकाउंट है 11th अकाउंट, मुकेश है 12th अकाउंट, कैश अकाउंट हो चुका, रहीम है 13th अकाउंट, सेल्स अकाउंट है 14th अकाउंट और कैश अकाउंट हो चुका, बैड डेट्स अकाउंट 15th अकाउंट, रहीम हो गया, कैश हो गया और सेल्स भी हो गया. तो टोटल 15 यूनिक अकाउंट्स थे हमारे पास. जो अकाउंट रिपीट होते हैं वो फिर से नहीं बनाने होते, एक ही बार एक अकाउंट हमने बनाना है और उसी पे हम लोग सारा इफेक्ट दिखाते होते हैं कि किस कारण वो इंक्रीज किया, किस कारण वो डिक्रीज हुआ, क्या बैलेंस है उसका एक पर्टिकुलर डेट पे. तो 15 डिफरेंट अकाउंट्स हमारे पास यहाँ पे बनने वाले हैं. अब यहाँ डिस्काउंट अलाउड भी था और डिस्काउंट रिसीव्ड भी था, तो अब आपकी मर्जी है, आप चाहे अलग अलग बनाओ, पर मैं यहाँ एक ही अकाउंट बनाऊंगी जो कि डिस्काउंट का होगा और उसी में हम लोग इसको पोस्ट करेंगे. तो 15 अकाउंट्स का फॉर्मेट आप लोगों ने रेडी करना है, मैं भी साथ में यहाँ पर बना लेती हूँ. और आपने ध्यान रखना कितनी लाइन्स छोड़ोगे आप. एक अकाउंट के लिए आपने देखना है वो अकाउंट अप्रॉक्सीमेटली कितनी जर्नल एंट्रीज में आ रहा है, जितनी बार भी आ रहा हो उतना ही लगभग आपने उतनी लाइन्स का वो अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले आप लोग इतना नोट करें और उसके बाद हम लोग लेजर पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे.